आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मातोड़ी स्थित अतिवीर फैक्ट्री में शनिवार की रात एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक बिहार के रोहतास जिला के नासरीगंज निवासी 38 वर्षीय किशोर चौधरी था। बताया जाता है कि बोकेट सफाई के दौरान क्रेन का सॉकेट बेयरिंग उसके सिर पर गिर गया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद इसे रात में अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद माले नेता राजेश सिन्हा और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। वहीं फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा नियमानुसार मुआवजा देने की बात कही गई। माले नेता राजेश यादव ने कहा कि फैक्ट्री के द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, और कहा कि इस मामले में उचित जाँच कर कार्रवाई होनी चाहिए। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि हर एक 15 दिन में फैक्ट्री में हादसा हो रहा है। यहाँ नियमों को ताक पर रखकर फैक्ट्री का संचालन किया जाता है, और कहा कि भाजपा सरकार के बाद वर्तमान सरकार में भी यही स्थिति है। उन्होंने मजदूरों के मसले पर भी सभी दलों को सामने आने की बात कही, ताकि हादसों में कमी हो और स्थानीय मजदूर को भी यहाँ काम नहीं मिलने पर सवाल उठाए। गिरडी से कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ प्रेस झा की रिपोर्ट। अतिवीर यूनिट 2 में किशोर चौधरी है, 38 साल के लगभग में, अभी उनके परिवार आए नहीं है। तो वो उनको मतलब कि एक हादसा हुआ, जो हमेशा होता है, हर 15 दिन में यहाँ पे हादसा होता है फैक्ट्री में। मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि जो फैक्ट्री में एक तरह से नियमों को ताक पे रखकर किया जाता है, भाजपा सरकार में भी पहले होता था और अभी जो झारखंड सरकार है उसमें भी पहल करना चाहिए था। और खासकर देखिए, फैक्ट्री वाले जो हैं, अगर जब तक जनप्रतिनिधि इस पर पहल नहीं करे, तब तक इनके साथ यही हादसा होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, और उसमें बोलने वाले कोई नहीं है। हम तमाम राजनीतिक दलों से भी कहते हैं कि एक साथ एकत्रित होकर कम से कम मजदूरों के मामले में सामने आए, और फैक्ट्री में जिस प्रकार हादसा हो रहा था, लगातार हादसा हो रहा है, उस हादसा को कम करें, या तो उचित मुआवजा मिले, ताकि उनके परिवार, उनके बच्चे जो हैं, उनको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। कहाँ के रहने वाले हैं? ये है आपका डेहरी ऑनसन के हैं, बिहार से रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और मुद्दा है कि ये लोकल स्तर पे नहीं रखना चाहते। पता नहीं क्यों नहीं रखना चाहते, जब धुआं यहाँ का हम खाएंगे, यहाँ का सारा सिस्टम को हम झेलेंगे, तो यहाँ लोकल को नहीं रखना चाहते। इस पर एक आवाज उठाने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दलों, खासकर हम जो अभी सत्ता में है राज्य में, उनसे भी निवेदन है कि इस पर एक पहल करें, एक अच्छी पहल होगी।